ये मैसेज सबके पास एक साथ विदिन 20 सेकेंड सबको मिलेंगे, उसके बाद लोग आगाह हो जाएंगे, वो लोग अलर्ट हो जाएंगे और सुरक्षित स्थान पे चले जाएंगे। आपण को मोबाइल को आज किसी अलर्ट मेसेज आसी कि मनरे किसी सन्देह रखुनि आसेज कहीं आसी एमरजेन्सी मेसेज मोबाइल को कहीं आसी ए विषय संपूर्ण तथ्य देवाई आम सहित अच्छा टेलिकम विभाग ओडिशा रो डेप्यूटी जनरल अच्छा आम सीधा सड़क सहित आलोचना करवा। सर आज एक मोबाइल को मेसेज आया, एक अलर्ट मेसेज आया, मोबाइल कुछ टाइम तक वाइब्रेट हुआ, लोगों के मन में जो था टेंशन हो गया कि ऐसे मोबाइल अचानक क्यों ऐसे कुछ सेकंड के लिए ऐसे वाइब्रेट हो रहा है और एक अलर्ट मैसेज आया, और ये मैसेज क्यों आया, ऐसे लोगों के मोबाइल में क्यों आया? मैडम आपको पता है कि हमारे देश में जो प्राकृतिक विपत्तियाँ हैं, नेचुरल डिजास्टर आते रहते हैं, उसके कारण क्या है कि हमारे काफ़ी जान के हानि होती है, लोगों के संपत्ति भी बर्बाद होते हैं, तो इसको कैसे बचाया जाए, इसके लिए हमारे भारत सरकार ने इस पर काफ़ी कार्यरत थे, प्रयासरत थे, और पिछले 2-3 सालों से उनके प्रयास से हम लोगों ने एक नया सिस्टम ईजाद किया है, जो हमारे अपने कंट्री के जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स सीडॉट, उसने सिस्टम को इन्होंने ईजाद कर लिया, जो हमारे दो हमारे ऑर्गेनाइजेशन है NDMA जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो नेशनल लेवल पे है और स्टेट लेवल पे है स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ये दोनों लोग जो हैं हमारे मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से अगर कुछ इन्फॉर्मेशन आता है कि आज यहाँ क्लाउड ब्रस्ट होने वाला है, हेवी रेन होने वाले हैं, फ्लड आने वाले हैं, या सुनामी आने वाले हैं, या लाइटनिंग होने वाले हैं, अगर वो मैसेज वहाँ के लोगों को अगर हम 5 घंटा 6 घंटा 8 घंटा पहले पहुँचा दें, तो निश्चित रूप से उनके जो जान पे जो खतरे होने वाले हैं उससे उनको बचा सकते हैं। आप बोल रहे हैं नेचुरल डिजास्टर होने से पहले लोगों के मोबाइल में मैसेज जाएगा, ये कुछ ऐसे एक मोबाइल मतलब एक ही सिम को जाएगा या एक ही नेटवर्क को जाएगा या दूसरे दूसरे लोग, क्योंकि हमारे जो तो इंडिया की अगर बात करते हैं तो हर लोगों इंसान के पास 2-2, 3-3 सिम है, दूसरे दूसरे वेराइटी के सिम यूज करते हैं, सभी सिम में जाएगा या कैसे कुछ जाएगा? हाँ, इसी का आज हमने टेस्टिंग किया था, तो जो सीडॉट ने सिस्टम ईजाद किया इसका एक पार्ट NDMA SDMA के पास था, दूसरा पार्ट हमारे टेलीकॉम ऑपरेटर के पास था। आपको विदित है कि हमारे पास आज के दिन में 4 टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं, BSNL है, वोडाफोन आइडिया है, रिलायंस जियो है, एयरटेल है, ये सब के सब ये हमारे NDMA और SDMA के साथ नेटवर्क के साथ जुड़े हुए रहेंगे, और जो भी आप प्राकृतिक आपदा नेचुरल डिजास्टर का जो भी इंफॉर्मेशन हमें देना है वो उनको 10 से 20 सेकंड के अंदर वो वहाँ से फायर करेंगे अपने ऑफिस से मैसेज बना करके, और ये 10 से 20 सेकंड के अंदर सभी लोगों को उस एरिया में पहुँच जाएंगे, इरिस्पेक्टिव कि आप किसका सिम रखते हैं। आज हमने इसी का टेस्ट किया है, आज ट्रायल टेस्ट था जिसमें 99.99% ऑफ मोबाइल टावर जो है सक्सेसफुली फायरअप हुए हैं, 0.01% नहीं हुए हैं, उसको हम लोग जांच करेंगे क्यों नहीं हुआ है, और हमें यह भी सूचना मिली है कि कुछ मोबाइल मेक है उसमें ये मैसेज नहीं आए हैं, क्यों नहीं आए हैं उसके मैन्युफैक्चरर वो मेक का से बात करेंगे कि इस पर वो मैसेज आए, और हमने यहाँ 2 भाषाओं में दिया था, एक इंग्लिश में दिया था, एक लोकल लैंग्वेज उड़ीसा का लोकल लैंग्वेज उड़िया है, तो आपको भी मिला होगा, आज आपको भी मिला होगा, सभी को मिला है, और ये हमने अभी चूँकि मतलब फेज बाई फेज किया था, पहले हमने एयरटेल का किया, फिर जियो का किया, फिर वोडाफोन आइडिया किया, फिर BSNL का किया, इसलिए अलग अलग समय में पहुंचा, लेकिन इन एक्चुअल में जब हम करेंगे तो ये मैसेज सबके पास एक साथ विद इन 20 सेकेंड सबको मिलेंगे, उसके बाद लोग आगाह हो जाएंगे, वो लोग अलर्ट हो जाएंगे और सुरक्षित स्थान पे चले जाएंगे। नेचुरल कैलेमिटीज जब भी होगा डिजास्टर के कितने घंटा पहले लोगों के पास ये मैसेज आएगा, और जैसे कि हम जानते हैं कि ओडिशा एक नेचुरल डिजास्टर प्रोन एरिया है, तो कितने समय पहले ये मैसेज लोगों के पास पहुंचेगा, मतलब डिजास्टर होने से पहले 10-15 मिनट पहले या 10-15 घंटे पहले? ये टोटली डिपेंड करता है हमारे मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के एफिशिएंसी पे, उनके पास जो डेटा आएंगे वो इमीडिएटली जो है हमारे NDMA और SDMA को दे देंगे, और वो विद इन मतलब सेकेंड वो इस मैसेज को फायरअप करेंगे, तो उनकी कोशिश यही रहेगी कि ये कम से कम 6 घंटा 8 घंटा 10 घंटा पहले दे दे, ताकि लोग अपनी जान को और संपत्ति को बचा सकें।
जैसे देखते हैं कि कुछ मोबाइल अगर स्विच ऑफ भी हो गया तो लोग जैसे अलार्म बजता है, अगर किसी का मोबाइल स्विच ऑफ भी हो गया तो ऐसे वाइब्रेट होकर मैसेज आएगा या ऐसा कुछ होगा या? हाँ, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हमने पूछा है। जो मोबाइल ऑन है उसमें तो जाएगा ही जाएगा, एक आपका अलार्म बेल बजेगा, उसके बाद ये आपके इंग्लिश में मैसेज आएगा, उसको रीड आउट भी करेगा वो, और फिर आपके लोकल लैंग्वेज उड़िया में भी आएगा। जो ऑफ है फिर उनके लिए क्या होगा, उनके लिए भी ये हमने ऐसा सिस्टम बनाया है कि उनमें भी ये अलार्म बेल बजेगा और ये मैसेज आएगा और वो इंग्लिश में रीड आउट भी करेगा। तो मोबाइल ऑन हो या ऑफ हो आपको ये मैसेज मिलकर ही रहेगा। अगर देखा जाए जैसे कि आप बोले कि ऑन हो या ऑफ हो आपके मोबाइल में मैसेज आएगा, और जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि साइबर क्राइम जो हो रहा है धीरे धीरे फैल रहा है, तो इसमें कुछ मतलब ये साइबर क्राइम में से मतलब बच के कैसे रहेगा कि ये लोग कभी कभी समझते हैं ये फ्रॉड है ऐसा कुछ भी समझते हैं? आपने अच्छा क्वेश्चन किया है कि ये साइबर फ्रॉड नहीं है। साइबर फ्रॉड जब भी होता है तो वहाँ पे आपसे लोग पूछता है कि आपके पास कुछ OTP आया है या कोई लिंक आया है, उस पर आप क्लिक करें, या आपका पर्सनल डिटेल KYC मांगेगा, या आपसे आपका बैंक डिटेल मांगेगा। यहाँ पे इस पर कुछ भी नहीं है, आपको केवल एक अलार्म बेल बजेगा, उसके बाद आपको ये मैसेज आएगा कि आप जिस एरिया में रह रहे हैं अगले 8 घंटे के बाद बहुत तेज़ बारिश होने वाली है, लाइटनिंग होने वाले हैं, कृपया कर घर से बाहर ना जाएं। और ये मैसेज मिलेगा तो इसमें कहीं भी साइबर फ्रॉड का कोई गुंजाइश नहीं है, इसलिए कहीं डरने की ज़रूरत नहीं है। सर, ये जो अभी टेस्टिंग है ये कितने फेज में और आगे होगा क्या? ये ऑलमोस्ट फाइनल था, ये जिसमें 99.99% हमने सक्सेस पा लिया है। 0.01% के लिए हम लोग कोशिश करेंगे कि वो अगले 10 दिन के अंदर ठीक कर लें, और अगर जरूरत पड़ा एक और करेंगे, या नहीं तो ये फुल फ्लेजेड कार्यान्वित जो है ऑपरेशनल हम लोग जितना जल्दी हो सके इसको शुरू कर देंगे, ताकि लोगों का जान और संपत्ति की रक्षा हम लोग कर सके। सर, 2 मैसेज आता है अगर मोबाइल में हम देखते हैं आपके हिसाब से, जैसे आप लोग आज टेस्ट किए तो एक अलर्ट मैसेज आया और एक होता है हमारे टेक्स्ट मैसेज होता है, ये टेक्स्ट मैसेज से थोड़ा अलग है ही है या कुछ वैसे टेस्ट मैसेज के? हाँ, टेक्स्ट मैसेज में क्या है कि आपके SMS के थ्रू आएगा, वो हम लोग को नंबर जो है से इंटर करना पड़ता है और तभी हो जाएगा। यहाँ इस केस में कुछ भी नहीं है, यहाँ ऐसा सिस्टम बनाया गया है कि अगर हम चाहें तो पूरा उड़ीसा को दे सकते हैं, कुछ जिला को दे सकते हैं, पिन कोड को भी हम सेलेक्ट करके उस पार्टिकुलर पिन कोड में पोस्टल का जो पिन कोड है उसके तहत जितने लोग रहते हैं उनको दे सकते हैं, या पार्टिकुलर एरिया को वो हम अपना वो सर, अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज भी अलग अलग आ सकता है। हाँ, मान लीजिए एक डिस्ट्रिक्ट में भारी बारिश हो रही है, वो मैसेज एक डिस्ट्रिक्ट को जाएगा, उसी समय दूसरे डिस्ट्रिक्ट को अगर पता चल रहा है कि वहाँ पर सुनामी आने वाला है तो उनको सुनामी का मैसेज जाएगा। तीसरे डिस्ट्रिक्ट में अगर बहुत वह अगर सीधी बात में अगर बोले जाए तो एरिया वाइज मैसेज आ जाएगा। हाँ, जो भी डिजास्टर होगा जो भी होगा एरिया वाइज आएगा, और उस एरिया के तहत जो भी नेचुरल कैलेमिटी आने वाले हैं वो मैसेज आएंगे, ये इसकी खूबसूरती है। निहाती भाबरे जहाँ सुनू थे कि डेप्यूटी जनरल जयंती भाबरे कहू थे कि जहाँ भी मैसेज आसब मोबाइल को अलर्ट हो कि आसब, एवं एणी की बनिया हो कि बात्या हो बा कौन सी भी जदि कह डिजास्टर हो नेचुरल डिजास्टर पूर्वर 7-8 घंटा पूर्वर लोक अलर्ट मेसेज आसब, आ सबुठार बड़ कथा है मोबाइल ऑन थाउ किंबा ऑफ थाउ, जेभली भाव में मोबाइल अलार्म ऑफ मोबाइल ऑफ होते भी अलार्म को मेसेज अलार्म बाजे, ठीक से ही भाव भावरे आपण को मोबाइल रे एणिकी डिजास्टर पूर्वर 7-8 घंटा पूर्वर अलार्म बाजिब एवं लोके एणिकी सुरक्षित भावरे रही पारे। भुवनेश्वर कैमेरा पर्सन प्रमोद महापात्र सतरूपा सामंतराय अर्गस न्यूज। जदि आपणक आम भिडियोटी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।